सो हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पुष्कर सोन है और आज के वीडियो में हम MHT CET और JEE की जो ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर एग्जाम होने वाली है उसके ऊपर बात करने वाले। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखें। और मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ कि हमारे चैनल के ऊपर MHT CET के रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं और मैं आपके साथ एडमिशन तक रहूंगा, इसलिए मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको सारे अपडेट और सारे जो वीडियो से लेटेस्ट वो आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल के ऊपर टॉप 5 एप्स के ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं MHT CET के लिए, जो आपके प्रिपरेशन में बूस्ट करेगा। और ऐसे बहुत सारे जो वीडियो जैसे एग्रीकल्चर, फार्मेसी, इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियो आते रहते हैं। तो चलिएगा, इस कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिएगा, इस फटाफट से वीडियो को शुरू करें। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने खुद ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम दिया था MHT CET का 2021 में। हमारी जो बेस्ट थी उन्होंने, क्योंकि कोविड की सिचुएशन तब भी अच्छी नहीं थी और अभी भी इस बार अच्छी नहीं है। कोविड की सिचुएशन की वजह से आपको भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देनी पड़ेगी, नहीं तो पहले क्या हुआ करता, पेन पेपर होता था, फिर आपको वहाँ पे MCQ फिल करने, सर्कल फिल करनी, ऐसा होता था। इसलिए इस बार कोई झंझट वाली नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल जाना है। आपके पास माउस रहेगा, आपके सामने PC रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो एग्जाम सेंटर है वो वही लगेगी जहाँ पे बहुत सारे PC होंगे, कंप्यूटर्स होंगे। मीन्स वहाँ पे जैसे कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज होगी वहाँ पे आपका मतलब सेंटर अलर्ट हो सकता है, आपको पता चल ही जाएगा वो। और मैं बता देता हूँ वहाँ पे सब इन्विजिलेटर रहेंगे। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग, मीन्स सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो आपको टाइम से पहले रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग आपको कार्ड पे, एडमिट कार्ड पे बताई जाएगी। वहाँ पे एडमिट कार्ड पे आपको वापिस सब दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड बात ये है कि आप सब कुछ नहीं लेके जा सकते क्योंकि ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है, इसलिए यहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स लेके जा सकते हो। फोटो चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए फोटो चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। और मैं आपको एक और बात देता हूँ, आधार कार्ड अच्छे से वाला लेके जाना। तो मेरा फ्रेंड ने पुराना आधार कार्ड लेके गया था, उसको एग्जाम में मतलब घुसने नहीं दिया था, उसने फिर जल्दी जल्दी में मंगाया और ऐसा सीन हुआ था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से आइडेंटिटी कार्ड लेके, मतलब जो अपडेटेड वाला है वही आधार कार्ड लेके जाना, या फिर खराब हुआ तो अब तो फटाफट से आप उसको रिन्यू करा लो। तो चलिए गाइस, ये बात तो क्लियर हो गई कि आपको रिपोर्टिंग टाइमिंग से पहले पहुंचना है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो मैंने आपको बता दी थी। और सबसे बात ये कि यहाँ पे आपकी जो चेकिंग हो जाती है मिस। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। आपका वहाँ पे फिंगरप्रिंट मैच किया जाएगा। यहाँ पे ऐसा मतलब इस बार होगा कि नहीं पता नहीं, पर हमारे समय ऐसा हुआ था कि हमारा फिंगरप्रिंट लिया गया था, हमारा आधार कार्ड से फेस मैच किया गया था, फिर उसके बाद हमें प्रोसीड किया गया था। फिर उसके बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपको इस PC पे जाके बैठना है। उसके बाद वहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आपका जो PC है वो ओपन हो जाएगा, आपके नाम से ओपन हो जाएगा। आपका एक फोटो दिया होगा वहाँ पे और जो आधार कार्ड से फोटो है वो दोनों वहाँ पे एंड में दिखा रहे हो। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको वहाँ पे एग्जाम शुरू होने से पहले इंस्ट्रक्शन रहेगा, और कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे बहुत सारे जो इन्विजिलेटर रहते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं। बहुत ईजी रहेगा एग्जाम, इसलिए बहुत आराम से आपको एग्जाम देना है, कोई चिंता करने की बात नहीं, टेंस नहीं लेना है आपको। और मैं आपको बता देता हूँ ऐसा टाइप रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है मुझे फोटो बहुत मुश्किल से बात मिला, ये जो बहुत है मैं साथ में आपको शोर कर देता हूँ। यहाँ पे ये आपको साइड में दिखा जाएगा, यहाँ पे आपको MCQ डिस्प्ले किया जाएगा और ये आपको साइड में दिखा जाएगा। यहाँ पे आपको आंसर में जो ग्रीन कलर में वो आंसर है, मतलब आपने जो भी अटेम्प्ट किया है वो आंसर हो जाएगा, और जो नॉट आंसर में रेड है जिसका आपने आंसर अटेम्प्ट नहीं किया अब तक, और जो यहाँ पे नॉट वेरीफाइड मीन्स आपको वेरीफाइड नहीं हुआ है, और जो वैलिड कलर में दिख रहा है वो है मार्क्ड एज रिव्यू, मतलब आप अभी MCQ सॉल्व कर रहे हो, आपको लग रहा है इसको मुझे वापस रिव्यू में आना पड़ेगा, मीन्स वापस मुझे अच्छे से इसका आंसर परफेक्ट नहीं है, तो आप उसको वापस आ सकते हो, इसलिए आप उसको रिव्यू में डाल सकते हैं। तो उसको आप रिव्यू पे क्लिक करना है और फिर उसको आगे बढ़ जाना है। तो ये लगता है सही है तो इसको ग्रीन टिक कर दो, सेव कर दो तो ग्रीन कलर में आ जाएगा, और आपने किसी आंसर का MCQ नहीं दिया तो वो रेड कलर में आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और आपको टाइम से पहले सबमिशन हो जाता है, अपने आप वो सबमिट हो जाता है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए ये मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सारे एडवांटेजेस है उसकी वजह से। तो आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट ठीक है, इसे कमेंट करके जरूर बताएगा। और चलिए इसमें आपको वापस रिवाइज करके बता देता हूँ, फटाफट से रिवाइज करके बता देता हूँ कि आपको रिपोर्टिंग टाइम में पहुँचना है। आपको जो ID डॉक्यूमेंट जैसे एडमिट कार्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ है, 2 फोटोज है, वो सब लेके जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप कुछ भी लेके जा सकते हो। अगर जो आप आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड के फिक्स है ही कि आधार कार्ड तो लेके जाना है, अगर जो सेकंड प्रूफ होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक और बात है कि गेट क्लोज टाइमिंग आपको पता रहना चाहिए, उससे पहले तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आप आते हो तो आपको एंट्री नहीं देगा, तो इसलिए आपका जो ईयर है वो ही चला जाएगा आपके पास। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में इतना है। मैं आपको वीडियोस खत्म होने से पहले एक बात बता देता हूँ कि मेरे फ्रेंड ने एक मॉक टेस्ट शुरू की है, उसका मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन्फिनिटी सॉल्यूशन बहुत अच्छी वेबसाइट है, अगर जो आपको मॉक टेस्ट देनी है, प्रिपरेशन में आपके जो बूस्ट लाना है, अगर जो आपको प्रिपरेशन में बूस्ट आ गई तो अपने आप से स्कोर अच्छा आ जाएगा, स्कोर अच्छा आएगा तो अपने आप आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, एक और बात बता देता हूँ कि PYQs भी इस साइट पे अवेलेबल है, आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और PYQs भी दे सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में इतना है। और मैं वीडियो खत्म होने से एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि आपने अब तक लास्ट में वीडियो देखा है,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। तो चलिए गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।